जय झूलेलाल, सिंधी जोमेटो किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे सिंधी स्पेशल बेसन की टिक्की की सब्जी, जो हम सिंधियों की तो स्पेशल और एकदम फेवरेट डिश है ही। तो ये डिश आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप ये डिश लास्ट तक जरूर देखना और एक बार ट्राई भी कीजिएगा, बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। तो सबसे पहले हम बेसन की टिक्की बनाएंगे। उसके लिए हमने एक बड़ा कटोरा बेसन लिया है, उसके अंदर हम लोग बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे, धनिया के पत्ते डाल देंगे और मसालों में हम लोग लाल मिर्ची पाउडर, नमक और साबुत जीरा डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच हम इसके अंदर तेल डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग एक डो बना लेंगे टिक्की का। तो ये देखिए, हमारी जो टिक्की का डो था वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और तेल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमारी जो टिक्की का डो था वो तैयार हो गया। अभी हम हाथ में ऑयल ग्रीस कर लेंगे, जैसे हमारा टिक्की चिपके ना हमारे हाथों पर, तो इसको टिक्की का शेप दे देंगे हम लोग। ये देखिए, ऐसे आपको शेप देना है। तो चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो बेसन की टिक्की है उसको फ्राई करते हैं। अभी हम हमारी जो टिक्की है उसको हाफ फ्राई करेंगे और बाकी का जो है हम लोग हमारी जो सब्जी बनाएंगे उसके अंदर इसको पका लेंगे अच्छी तरह से हमारी टिक्की को। देखिए, हमारी जो टिक्की थी वो फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसी तरह से आलू को फ्राई कर देंगे। आलू का भी हमें सिर्फ कच्चा पानी निकालना है, पूरा नहीं हमें फ्राई करना है हमारे आलूओं को। ये देखिए, हमारे जो आलू है वो भी हाफ फ्राई हो चुके हैं। अभी उसी ऑयल के अंदर हम लोग, तो ये हमने देखिए तीन प्याज लिए, उसको बारीक काट लिया है। तो देखिए, हमारा जो प्याज था वो अच्छी तरह से पक चुका है। अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, टमाटर की प्यूरी डालेंगे। ये हमने 6 टमाटर की प्यूरी ली है, वो डालेंगे इसके अंदर और टमाटरों को जल्दी पकाने के लिए हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। अभी हम हमारे टमाटरों को ढक के पका लेंगे। तो देखिए, हमारे जो टमाटर थे वो अच्छी तरह से पक चुकी है, हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसके अंदर हम लोग हरी मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच हम लोग गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अभी हम इसके अंदर नमक नहीं डाल रहे क्योंकि हमने टमाटर को पकाने टाइम भी नमक डाला था, तो अगर आपको लगे तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए, हमारी जो ग्रेवी थी वो अच्छी तरह से पक चुकी है और अभी हम इसके अंदर जो हमने बेसन की टिक्की और जो आलू फ्राई किए थे वो डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे, ये हमने 3 गिलास पानी डाले इसके अंदर। अभी हम ढक के हमारी जो सब्जी है उसको अच्छी तरह से पका लेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए सिम आंच पे रख देंगे। देखिए, 10 मिनट हो चुकी है। अभी जो हमारे बेसन की टिक्की की सब्जी है वो बनके तैयार हो चुकी है, इसको हम लोग सर्व करेंगे। चलिए, अभी तो देखिए, हमने हमारे जो बेसन की टिक्की की सब्जी है उसको सर्व कर दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। डिश आपको कैसी लगी,